जी हाँ नमस्कार दोस्तों, इंडिया जिम्बाब्वे के बीच एक रोमांचक T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच खेला गया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जीते तो इस वीडियो को हमारे एक लाइक कर दो। दोस्तों इस मैच के अंदर आपको बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली का तूफान देखने को मिला। पूरी मैच की हाईलाइट दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। क्रिकेट स्पोर्ट की न्यूज जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा। इस मैच के अंदर तो सबसे पहले टॉस जीता भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी करने का दिया फैसला। वही दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। दोस्तों भारतीय टीम से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा, उनका साथ देने आए KL राहुल। इन दोनों बैट्समैन के बीच में पहले विकेट के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनर हुआ। दोनों बैट्समैन ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे रन बनाए। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के अंदर 13 बॉल पर 13 रन बना के आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया ब्लेसिंग मुजवानी ने। और उसके बाद दोस्तों क्रीज पे विराट कोहली और KL राहुल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैटर्स ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए 50 रन तक पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों इस दोनों बैटर्स ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट खेले और सबसे पहले तो KL राहुल ने इस मैच के अंदर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। लेकिन उसके बाद बता दूं कि विराट कोहली भी इस मैच के अंदर 25 बॉल पर 26 रन बना के सेम विलियम्स के गेंद पर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर सूर्य कुमार यादव, दूसरी तरफ दोस्तों KL राहुल भी अपना हाफ सेंचुरी बना के 35 बॉल पर 51 रन की एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद उनको सिकंदर राजा ने आउट कर दिया। KL राहुल ने इस मैच के अंदर 35 बॉल पर 51 रन की एक अच्छी पारी खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। KL राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर ऋषभ पंत, हालांकि दोस्तों इस मैच के अंदर भारतीय टीम को ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत अपने उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाए और सिर्फ 3 रन बना के सैम विलियम्स के गेंद पर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच 5वें विकेट के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 50 से 100 रन के पार पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर बहुत सारे छक्के और चौके लगाए और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 के भी ऊपर चला गया। सबसे पहले इस मैच के अंदर तो हार्दिक पांड्या ने 18 बॉल पर 18 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन इंडिया और से सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग किया सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के अंदर ताबड़तोड़ अंदाज में बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड के सारे गेंदबाजों को जम के धोया और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार पारी खेली। सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 बॉल पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। इसके दरमियान उनका स्ट्राइक रन रेट लगभग 250 का था। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बन गया। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम लोग न्यूजीलैंड मतलब जिम्बाब्वे टीम की बॉलिंग की। दोस्तों जिम्बाब्वे टीम ओर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा सैम विलियम्स को मिला 2 विकेट, फहीम मुरजमानी को मिला 1 विकेट, सिकंदर राजा को 1 विकेट। दोस्तों अब जिम्बाब्वे को यह मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 187 रन का मिला टारगेट, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो वहीं बात करते हैं हम लोग जिम्बाब्वे टीम की बल्लेबाजी की। दोस्तों जिम्बाब्वे टीम ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद ही खराब रहा। शुरुआत में दोस्तों भारतीय टीम ओर से पहले ओवर फेंकने भुवनेश्वर कुमार ने जिम्बाब्वे के को ओपनर को अपने पहले ही गेंद पर विराट कोहली के हाथ कैच आउट करा दिया और इस तरह से दोस्तों जिम्बाब्वे को पहला ही झटका लग गया। उसके बाद दोस्तों क्रीज पर कप्तान और विकेट कीपर बैटमैन के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों विकेट कीपर बैटमैन भी बिना खाता खोले आउट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्रीज पर सैम विलियम्सन ने इस मैच के अंदर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद सैम विलियम्सन भी 11 रन बना के आउट हो गए। सैम विलियम्सन के आउट होने के बाद क्रीज पर सिकंदर राजा और रियान बर्क के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर जिम्बाब्वे टीम स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते देखते जिम्बाब्वे टीम का स्कोर 50 रन के पार चौका। उसके बाद दोस्तों सिकंदर राजा ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले। वहीं दोस्तों रियान बर्क ने भी इस मैच के अंदर कुछ अच्छे शॉट खेले। देखते ही देखते जिम्बाब्वे टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और इस मैच के अंदर सिकंदर राजा ने 24 बॉल पर 34 रन की एक अच्छी पारी खेली। वहीं दोस्तों रियान बर्क ने इस मैच के अंदर 22 बॉल पर 35 रन की एक शानदार पारी खेली। इस पारी के दरमियान 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। दोस्तों कुल मिलाकर कि जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 115 रन बना के ऑल आउट हो गई और इंडिया ये मैच 71 रनों के
बड़े अंतर से जीत गया है। दोस्तों अगर आप भी इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को हमारे एक लाइक कर दो। और इस मैच के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के अंदर शानदार बल्लेबाजी किया और सूर्य कुमार यादव की इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। दोस्तों वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक कर देना। क्रिकेट की हर मैच की हाईलाइट वीडियो सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, इंडिया जिम्बाब्वे के बीच एक रोमांचक T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच खेला गया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जीते तो इस वीडियो को हमारे एक लाइक कर दो। दोस्तों इस मैच के अंदर आपको बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली का तूफान देखने को मिला। पूरी मैच की हाईलाइट दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। क्रिकेट स्पोर्ट की न्यूज जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा। इस मैच के अंदर तो सबसे पहले टॉस जीता भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी करने का दिया फैसला। वही दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। दोस्तों भारतीय टीमों से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा, उनका साथ देने आए केएल राहुल। इन दोनों बैट्समैन के बीच में पहले विकेट के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनर हुआ। दोनों बैट्समैन ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे रन बनाए। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के अंदर 13 बॉल पर 13 रन बना के आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया ब्लेसिंग मुजमानी ने। और उसके बाद दोस्तों क्रीज पे विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैटर्स ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए 50 रन तक पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों इस दोनों बैटर्स ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट खेले और सबसे पहले तो केएल राहुल ने इस मैच के अंदर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। लेकिन उसके बाद बता दो कि विराट कोहली भी इस मैच के अंदर 25 बॉल पर 26 रन बना के सेम विलियम्स के गेंद पर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर सूर्य कुमार यादव। दूसरी तरफ दोस्तों केएल राहुल भी अपना हाफ सेंचुरी बना के 35 बॉल पर 51 रन की एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद उनको सिकंदर राजा ने आउट कर दिया। केएल राहुल ने इस मैच के अंदर 35 बॉल पर 51 रन की एक अच्छी पारी खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर ऋषभ पंत। हालांकि दोस्तों इस मैच के अंदर भारतीय टीम को ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत अपने उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाए और सिर्फ 3 रन बना के सैम विलियम्स के गेंद पर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच 5वें विकेट के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 50 से 100 रन के पार पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर बहुत सारे छक्के और चौके लगाए और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 के भी ऊपर चला गया। सबसे पहले इस मैच के अंदर तो हार्दिक पांड्या ने 18 बॉल पर 18 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन इंडिया और से सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग किया सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के अंदर ताबड़तोड़ अंदाज में बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड के सारे गेंदबाजों को जम के धोया और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार पारी खेली। सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 बॉल पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। इसके दरमियान उनका स्ट्राइक रन रेट लगभग 250 का था। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बन गया। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम लोग न्यूजीलैंड मतलब जिम्बाब्वे टीम की बॉलिंग की। दोस्तों जिम्बाब्वे टीम ओर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा सैम विलियम्सन को मिला 2 विकेट, फहीम मुरजमानी को मिला 1 विकेट, सिकंदर राजा को 1 विकेट। दोस्तों अब जिम्बाब्वे को ये मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 187 रन का मिला टारगेट, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो वहीं बात करते हैं हम लोग जिम्बाब्वे टीम की बल्लेबाजी की। दोस्तों जिम्बाब्वे टीम ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद ही खराब रहा। शुरुआत में दोस्तों भारतीय टीम ओर से पहले ओवर फेंकने भुवनेश्वर कुमार ने जिम्बाब्वे के को ओपनर को अपने पहले ही गेंद पर विराट कोहली के हाथ कैच आउट करा दिया और इस तरह से दोस्तों जिम्बाब्वे को पहला ही झटका लग गया। उसके बाद दोस्तों क्रीज पर कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन भी बिना खाता खोले आउट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्रीज पर सैम विलियम्सन ने इस मैच के अंदर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद सैम विलियम्सन भी 11 रन बना के आउट हो गए। सैम विलियम्सन के आउट होने के बाद क्रीज पर सिकंदर राजा और रियान बर्ग के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुआ। इन दोनों बैट्समैन ने मिलकर जिम्बाब्वे टीम स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते देखते जिम्बाब्वे टीम का स्कोर 50 रन के पार चौका। उसके बाद दोस्तों सिकंदर राजा ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले। वहीं दोस्तों रियान बर्ग ने भी इस मैच के अंदर कुछ अच्छे शॉट खेले। देखते ही देखते जिम्बाब्वे टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और इस मैच के अंदर सिकंदर राजा ने
24 बॉल पर 34 रन की एक अच्छी पारी खेली। वहीं दोस्तों रियन बल ने इस मैच के अंदर 22 बॉल पर 35 रन की एक शानदार पारी खेली। इस पारी के दरमियान 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। दोस्तों कुल मिलाकर कि जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 115 रन बना के ऑल आउट हो गई और इंडिया ये मैच 71 रनों के बड़े अंतर से जीत गया। दोस्तों अगर आप भी इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को हमारे एक लाइक कर दो। और इस मैच के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के अंदर शानदार बल्लेबाजी किया और सूर्य कुमार यादव की इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। दोस्तों वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक कर देना। क्रिकेट की हर मैच की हाईलाइट वीडियो सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।